नमस्कार आप सभी का। मैं अभिनव द्विवेदी, कला संकाय प्रतिनिधि, छात्र संघ इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। आप सभी का बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह वीडियो मुख्य तौर पे जो भी इस समय करंट के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनके लिए और जो आने वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थंबनेल आपने देख लिया होगा कि हॉस्टल की प्रक्रिया के विषय में आज मैं आपसे चर्चा करने आया हूं। पिछले 2 साल से कोविड चल रहा था, इस वजह से छात्रावास पूरी तरीके से खाली था और छात्रावास का अलॉटमेंट इसके पहले के सत्र के विद्यार्थियों का नहीं हुआ और इस बार जो नए प्रवेश के आ रहे हैं छात्र, अभी उनकी भी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसके साथ यूजी, इसके साथ साथ पीजी की जो प्रक्रियाएं हैं, वह सारी प्रक्रिया मैं आपसे बताने वाला हूं कि छात्रावास आपको कब से मिलेगा। सबसे पहले इंतजार रखिएगा, धैर्य रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं बताना चाहूँगा। जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं जिनका अभी प्रवेश हो रहा है, उनके छात्रावास की भी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। उनकी जो प्रक्रिया होगी वो दिसंबर लास्ट में या जनवरी के पहले वीक में शुरू होगी। तो जो सत्र 2021 और 22 के छात्र हैं वो अभी छात्रावास के लिए बिल्कुल परेशान ना हो। मोटे तौर पे आज जो मैं सूचना देने आ रहा हूँ कि छात्रावास आपका कब से अलॉट होगा और कब से किसको छात्रावास मिलेगा, इस विषय पर मैं बात करने आया हूँ। अब इस पर सवाल जवाब आप लोग बहुत सोचिएगा नहीं। दूसरी बात यह है, जो सेकेंड ईयर की विद्यार्थी हैं, यानी कि जो सत्र 2020 और 21 के विद्यार्थी हैं, उनकी छात्रावास की जो प्रक्रिया है वो दिसंबर के लास्ट तक होगी। यानी जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, चाहे बीएससी के हों, चाहे बीकॉम के हों, चाहे बीए के हों, उनकी जो छात्रावास की जो प्रक्रिया है वो दिसंबर लास्ट तक होगी। जो थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं, उनको छात्रावास फर्स्ट ईयर में मिला था, उसी हिसाब से उनको छात्रावास का आवंटन थर्ड ईयर में किया जाएगा। तो उनको परेशान होना नहीं है, जिनको फर्स्ट ईयर में छात्रावास मिला था उनको थर्ड ईयर में भी छात्रावास मिलेगा, उसकी भी प्रक्रिया दिसंबर लास्ट तक शुरू होगी। अब हम बात करते हैं पीजी के छात्रावास पे। जो पीजी के नवप्रवेशी छात्र छात्राएं हैं उनकी भी छात्रावास की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं होगी, क्योंकि जब आपका एडमिशन होगा उसके बाद ही आपका छात्रावास का आवंटन होगा। तो जनवरी उसमें लग सकता है, जनवरी के प्रथम सप्ताह तक आपके छात्रावास की प्रक्रिया शुरू होगी। अब बात ये करते हैं जिनको छात्रावास अब मिलने वाला है, बहुत ही कुछ दिन के अंदर जिनको छात्रावास अलॉट हो जाएगा। जो पीजी के थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हैं, यानी कि 2020 और 21 के सत्र वाले, तो लड़कियों की जो लिस्ट है वो 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगी, चाहे कल निकाली जाए चाहे परसों निकाली जाए। लड़कियों के छात्रावास की लिस्ट पीजी की बन चुकी है। जो पीजी 2017-20 और 21 के हैं, यानी जो थर्ड सेमेस्टर में जो गए हैं, उनकी जो छात्रावास का जो आवंटन है वो लिस्ट तैयार हो गई है, बस लिस्ट निकालने की ही बारी है। तो पीजी की जो छात्राएँ हैं उनको छात्रावास का आवंटन मुश्किल से 2 से 3 दिन के अंदर उनका आवंटन हो जाएगा, यानी उनकी लिस्ट DSW ऑफिस में रिलीज कर दी जाएगी। इसके बाद की क्या प्रक्रिया है? इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो पीजी के छात्रों की है, यानी जो बॉयज हैं उनके छात्रावास का आवंटन होगा। उनके छात्रावास का आवंटन कब होगा, ये समय कम से कम 10 से 12 दिन लग सकता है। यानी उनकी जो लिस्ट है वो 10 तारीख के बाद ही रिलीज होगी, 10 से 12 तारीख के बाद, 12 दिसंबर के बाद आपकी रिलीज लिस्ट होगी, क्योंकि अभी वो लिस्ट बनी नहीं है। लेकिन जो लड़कियों की लिस्ट है वो बन चुकी है। जो पीजी के थर्ड सेमेस्टर की छात्राएं हैं, यानी जो सत्र 2020 और 21 के जो छात्र और छात्राएं हैं, उनके छात्रावास का आवंटन मुश्किल से छात्राओं का 2 से 3 दिन के अंदर हो जाएगा, उनकी लिस्ट रिलीज हो जाएगी। छात्रावास के लिए इस बार एक कमेटी बनाई गई है। पहले छात्रावास का आवंटन DSW के ऑफिस से होता था, लेकिन इस बार जो छात्रावास का आवंटन हो रहा है उसके लिए टीचर्स की अलग कमेटी बनाई गई है। तो जो कमेटी डिसाइड करेगी, जो कट ऑफ रिलीज करेगी, उनको छात्रावास का अलॉटमेंट होगा। कुल मिला के छात्रावास में 3000 संख्या है, टोटल जितने छात्रावास हैं, चाहे गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, टोटल मिला के 3000 संख्या है। तो आप लोग जानते हैं 30,000 विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं, तो सबको छात्रावास नहीं मिलेगा। इस वजह से मोटे तौर पे पीजी की जो सत्र 2020 और 21 की जो लड़कियाँ हैं उनके छात्रावास का आवंटन 2 से 3 दिन के अंदर हो जाएगा। जो पीजी के जो बॉयज़ हैं उनके छात्रावास का आवंटन 10 से 15 दिन लग सकता है, उनकी लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद जो यूजी के छात्र हैं, जो सत्र 2020 और 21 के छात्र, यानी कि जिनका इस समय सेकंड ईयर है, उनके छात्रावास का आवंटन दिसंबर लास्ट तक होगा, यानी जब पीजी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब आपकी लिस्ट निकलेगी, तब आप फॉर्म उसमें भरेंगे। इसके साथ साथ जो थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं जिनको प्रथम वर्ष में छात्रावास मिले था, उनको ऑटोमेटिक छात्रावास का आवंटन होगा, वो भी प्रक्रिया 20 दिसंबर के बाद ही चलेगी। इसके बाद जो प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएँ हैं जो अभी अपना प्रवेश ले रहे हैं, वो अभी बिल्कुल ना परेशान हों, पूरा दिसंबर बीत जाएगा, जनवरी से आपकी छात्रावास की प्रक्रिया शुरू होगी। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है छात्रावास के विषय पे। इसके साथ साथ आप लोग जुड़े रहिए, आपके जो भी सवाल हैं छात्रावास पे आप इस पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।